मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई है वो आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि येरोड वेंकट रामस्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडिस्टर पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल जारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देते हैं। 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख? ओम शांति। पेरियार भाई साहब का ये प्रश्न परमात्मा से कि गरीब लोग अपनी मेहनत का कतरा कतरा इकट्ठा करके परमात्मा के अर्पण करते हैं, फिर भी परमात्मा उनकी मदद नहीं करता। जबकि कहा जाता है कि परमात्मा गरीब निवास है, पर तू गरीब तो दुखी है। वो गरीब के गरीब है। वंडरफुल बात है, गरीब ही परमात्मा को याद करते। अमीर तो अपने नाम मान शान के लिए आज जो रूप दिखाई दे रहा है क्योंकि गरीब है वो दुखी है। अमीर है वो समझता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास सारे साधन है, मुझे क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की, मुझे क्या जरूरत है उसको ढूंढने की। तुम जाओ, तुम्हें भगवान से मिलना है, भगवान से लेना है। आज कोई भी है सब दुखी, अरबों रुपया है परंतु शांति नहीं, सुख नहीं है। सब दुखी है, सब परमात्मा से प्राप्ति चाहते हैं, परंतु जो दुखी हैं वो चाहते तो हैं परंतु मिलता क्या है। मंदिर में जाओ दे आओ, बस मूर्तियां रखी हैं भगवान के नाम पर, जितने भी धर्म हैं सब लूटने का काम। आज धर्म अपनी अस्तित्व को खो बैठा है। जब धर्म में शक्ति थी, धर्म सत्य पर आधारित था, तब पाप भी राजा से श्रेष्ठ माना जाता था। इस्लाम में मुल्ला जो धर्म का मुखिया होता था वो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया के बराबर होता था। राजा भी न्याय के लिए उनके अधीन होता था। भारत संस्कृति में भी राजा गुरुओं को वंदन करते थे, राजगुरु सलाह देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, सन्मार्ग पर चलाने के लिए
रखे जाते थे। और आज धर्म के ठेकेदारों को वो सम्मान नहीं मिलता। मजबूरी में सब उनसे मिलते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, धन भी देते, संपत्ति भी देते, परंतु अज्ञानतावश ये समझ करके भगवान प्रति दे रहे। गरीब लोग सोचते हैं क्या भी ये जीवन तो हमारा जैसा दुख में है, अभी कुछ कतरा कतरा भगवान के खाते में जमा करा दे, आगे काम आएगा। विचार करो, क्या भगवान को संसारिक चीजों की जरूरत है? भगवान अशरीरी अभोक्ता अजन्मा आयोनी, क्या उसे गरीबों का कोई पैसा चाहिए, वस्तु चाहिए क्या? ना अमीरों का चाहिए और ना गरीब। परमात्मा कहते मैं क्या करूंगा, मैं अभोक्ता, इस संसार की चीजों का करूंगा भी तो क्या करूंगा। आप परमपिता परमात्मा आकर कहते बच्चे, मैं आकर हर आत्मा का जीवन सुखमय बनाने के लिए ट्रेनिंग देता, ज्ञान देता, जिस ज्ञान के आधार पर तुम सतयुग के मालिक बनते, स्वर्ग के मालिक बनते, जहां किसी के पास कोई दुख नाम की चीज नहीं हो। सब एक दूसरे को सुख देने का ही संकल्प करते, दुख होता क्या है वो नहीं जानते, इच्छा होती क्या है वो नहीं जानते। तो अब परमपिता परमात्मा बहुत अच्छी तरह आकर समझाते, बच्चे मुझे संसार की कोई वस्तु की जरूरत नहीं, मेरा शरीर ही नहीं, जो भोजन की जरूरत हो, वस्त्र की जरूरत हो, किसी और की जरूरत, परमात्मा कहते बच्चे मेरे से कोई इच्छा नहीं है। यदि कोई इच्छा रखता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये बच्चा अज्ञानता की घोर अंधेरी राह, अब परमात्म डायरेक्शन पर चल, अपने जीवन को सुख में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा कहते बच्चे, मैं तुम्हारी अनेक जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान को लेकर तुम सतयुग के राजा बन गए। मैं गरीबों का ही आकर के उद्धार करता, गरीब ही आते हैं
और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। परमात्मा कभी किसी आत्मा को दुख नहीं देंगे, संसार की चीजें भी नहीं देंगे, और ज्ञान आकर दे रहे हैं। हर प्रश्न का जवाब लेना ये आपका अधिकार है। ओम शांति। से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें।